सर शॉट रेडी है। जब मैं बात करता हूँ बीच में टांग नहीं अड़ाना, कितनी बार समझाना पड़ेगा? सर वो शॉट रेडी बोल रहे थे। कॉमन सेंस नहीं है, नॉनसेंस। रेडी रेडी ना रेडी रेडी एक्शन। स्माइल स्माइल जूम कट इट ब्रेक। आर्या क्या हुआ, क्या बात है? इस डायरेक्टर से बात करना ही बेकार है यार, ये कला की कीमत ही नहीं जानते। आर्या तुम उसकी चिंता मत करो, हमारा लक्ष्य फिल्म बनाना है, तुम एक दिन जरूर फिल्म बनाओगे। हाँ यार मैं अपनी फिल्म बना के रहूंगा, कादल फिल्म जल्दी शुरू करूंगा। हाँ कॉफी मेरे लिए, जल्दी दे दो मुझे, ठंडी हो जाएगी। नहीं तो ये तुम्हारे लिए नहीं, आर्या के लिए। आर्या के लिए? उसके लिए स्पेशल क्यों? वो तो मेरी पसंद का टमाटर हीरो है। ओ तो ऐसा है, मैं टमाटर नहीं हूँ। तुम तो सड़ेला टमाटर हो। मैं क्या सड़ा हुआ टमाटर हूँ क्या? आर्या चाय पी लो। सॉरी मैं चाय नहीं पीता। तो हॉर्लिक्स लेकर आऊं? नो थैंक्स, थोड़ा काम करना बाकी है प्लीज। ओके सॉरी आर्या, तुम्हारी कादल स्टोरी अच्छी है लेकिन तुम नए डायरेक्टर हो, तुम्हारे भरोसे पैसा इन्वेस्ट करना मुश्किल है, प्लीज तुम कोई और प्रोड्यूसर ट्राई करो। हेलो सर, आप प्रशांत सर हो? हाँ बोलो। नमस्ते सर, मैं आर्या। अच्छा, मैंने एक स्टोरी लिखी है कादल नाम की, वो स्टोरी बहुत ही अच्छी है सर, स्क्रिप्ट सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर, प्लीज एक बार आप चांस दीजिए, डायरेक्ट करता हूँ। नए हो? हाँ सर। नए डायरेक्टर के लिए यहाँ कोई चांस नहीं है सर, प्लीज सर सिर्फ एक बार स्टोरी सुन लीजिए। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं सुनने का। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, मैं आर्या बोल रहा हूँ। हाँ। सर मैंने एक जबरदस्त स्टोरी बनाई है, कदल नाम है, लव स्टोरी है, बहुत ही कमाल की स्टोरी है सर, सिर्फ एक बार आपको कहानी सुनाने का मौका दीजिए। स्टोरी तुमने लिखी है? हाँ सर। नए डायरेक्टर को कोई भी हीरो डेट नहीं देता, फोन रखो। सर प्लीज सर एक बार मौका दीजिए। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, फोन रखो। सर प्लीज। तुम उसे देख रही हो, ये उसे मालूम नहीं होना चाहिए। okay. तुम आंखों से एक्सप्रेशन देना। हाँ। समझी? ऐसे ही है ये कैरेक्टर। यस जस्ट लाइक दैट। ओके सर। ओके समझ गए ना? या आई विल डू। आर्या सर स्क्रिप्ट लेके आओ, मैडम को डायलॉग दो। सर इस स्क्रिप्ट में ना डायलॉग ठीक नहीं था तो मैंने चेंज कर दिया। डायरेक्टर मैं हूँ या तुम हो, तू मुझे सिखाएगा? जैसे बोलता हूँ वैसे कर, समझाना? तूने तो बाहर बहुत कोशिश की, कोई प्रोड्यूसर मिला तुझे? हाँ सिर्फ कहानी लिखने से कुछ नहीं होता, दिमाग दिमाग चाहिए, समझा? हेलो सर। हाँ? प्रोड्यूसर को मेरी स्टोरी चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए। क्या बोला बे तू? मेरी कहानी अच्छी है, मुझे मत सिखाइए। मुझे बोलेगा तू? प्लीज सर। हाँ सिखाऊंगा, आपको दिमाग ही नहीं है। मैं डायरेक्टर हूँ। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। आप ही ज्यादा बोल रहे हो। चुप हो जाओ। खुद को होशियार समझते हैं क्या? आप ही। बैक अप। सर, एक्सक्यूज मी, सर, ये क्या है आर्या? तुमने ऐसे क्यों बोला? अरे मैंने क्या गलत बोला? डायलॉग सही नहीं था, मैंने ठीक कर दिया, इससे क्या हो गया? जाने दो यार, टेंशन मत लो। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ आर्या, तुम्हारे जैसे अच्छे डायरेक्टर आए तो हमारी कला की कीमत होगी। तुम अपनी स्टोरी तैयार रखो, मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करती हूँ। ओके ओके थैंक्स। आर्या अविनाश उड़ीपी करके एक आदमी, उसको मैं जानता हूँ यार, मैंने तुम्हारे बारे में उससे बात की थी। मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ, तुम उसे अपनी कहानी सुनाना, वो मान जाएगा यार।
यार यहाँ तो कोई भी प्रोड्यूसर कहानी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सुनो, पुराने प्रोड्यूसर को ढूंढने से अच्छा है कि तुम नए प्रोड्यूसर को ढूंढो, काम बन जाएगा। अरे यार, हम नया प्रोड्यूसर कहाँ से पैदा करेंगे? सुनो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सीने मैगजीन के एक आदमी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उससे एक बार बात करता हूँ। हमारा जो प्लान है ना, वो उस मैगजीन में अच्छी तरह से पब्लिश कर देगा। उसे देखकर कोई ना कोई हमें जरूर सपोर्ट करेगा। मेरी बात मान। ए, तुम लोग क्या कहते हो? अरे जक्का, सुपर आइडिया दिया है। बहुत अच्छा है यार। लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरी बात सुनो यार, हम पूरे शहर में पब्लिसिटी करेंगे, फिर कैसे बात नहीं बनती, देखते हैं यार। है? मैं बात करता हूँ यार, तुम आगे की तैयारी करो। सुनो, वहाँ जाकर अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाएंगे। तू समझ गया ना? अंकल अंकल, आप हेलमेट पहन लो। अरे छोड़ यार, वहाँ हवलदार है, वो फाइन मारेगा। अरे मैं कहता हूँ पहन लो। गाड़ी साइड में लो, साइड में लो, गाड़ी साइड में लो, साइड करो गाड़ी। मैडम, इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। पता नहीं तुम्हें हेलमेट यूज करना जरूरी है? हम नहीं पहनेंगे, हम मिलिट्री वाले हैं। रूल्स तो रूल्स है, आपने रूल्स तोड़े हैं, इसका फाइन भरना होगा। नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे? इसे पहनूंगा तो मेरी बीवी लड़ेगी मुझसे। लेकिन क्यों? क्या है कि मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी, इसलिए लड़ेगी मुझसे। तो फिर ठीक है, फाइन भर दो। कितना देना है? 500 रुपए। बस इतना ही है? ये लो 500 रुपया, सरकार के लिए 100 और तुम्हारे लिए 400। जाओ मजे करो। 400 रुपए? मिलिट्री क्यों 400 रुपए दे रहा है? ये तो खूबसूरत है। ए, तू हेलमेट पहन के क्या देख रहा है? अरे अगर हेलमेट निकालूंगा तो तुम डर जाओगे। ए, तेरी तो? चलो भागो यहाँ से। टिंगू, तू दोबारा मेरे से मिल। क्या रे मिलिट्री, तुमने उसे 500 रुपए क्यों दिए? अब उसे पता चलेगा। अरे ये तो नकली नोट है। चेर। चेर। सुनो रवि मामा, मुझसे प्यार के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। प्यार के बारे में मुझे क्या मालूम? अरे नहीं टिंगू, पहले तुम पी लो। अरे सर्व रोगों के लिए शराब ही दवा होती है। लव फेलियर के लिए, लाइफ फेलियर के लिए, सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही दवा है, दारू। भाई पियो, अभी पियो। क्या बात है, किस खुशी में पार्टी शुरू कर दी? तुम्हारे बेटी से मैं प्यार करता हूँ इसलिए। ए छोटू। नहीं मामा, अपना आर्या को डायरेक्टर के लिए चांस मिला है, इसलिए वो पार्टी मना रहा है। आप चिंता मत करिए, आप भी पीजिए। अरे तो मेरे लिए बोतल कहाँ पर रखी है? ओ मिलिट्री मामा, आपके बिना हमने कभी पिया है क्या? बिल्कुल नहीं पिया। मैं सिर्फ इस पार्टी में ही नहीं, फिल्म में भी रहूंगा। हाँ क्या? मैं तो फिल्म में एक्टिंग करूंगा, ये बोल रहा हूँ। मामा, तुम फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हो? शक्ल से तुम कटप्पा दिखते हो। क्या मैं एक्टिंग नहीं कर सकता? एक बोतल मेरे अंदर जाएगी तो कोई भी हीरो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। एक चुटकी बजाई तो हाथी, दूसरी चुटकी बजाई तो शेर, तीसरी चुटकी बजाई तो मिलिट्री वाला रहूंगा। आ ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना तुम लोग की ये सारी बियर की बोतल में एक झटके में पी जाऊंगा। ए छोटो, यहाँ के डायरेक्टर का कोई भी टेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं हीरो नहीं बन पाया। मैंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली और गन उठा के धड़धड़ गोली चलाई और दुश्मनों को खत्म कर दिया। मिलिट्री, मुझे एक बात पूछनी है। अगर तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो तो मुझे शकीला जैसी एक्टिंग करके दिखाओ। ए छोटू, तू 1.5 फीट का है और तुझे शकीला चाहिए? तुम लोगों से दोस्ती करके गलत किया। मामा, 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 मामा,